Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional Trade Strategy is a copyright content of IFMC. Hello and welcome students. With the God grace and आप सबके well wishes से IFMC एक और नया center खोलने वाला है, which is in भिवानी, हरियाणा. जो जो students वहाँ के और nearby localities के हैं, वो सब वहाँ पे visit कर सकते हैं and वहाँ पे जाके stock market की training ले सकते हैं. जैसे कि आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं वहाँ पे, टेक्निकल्स पढ़ सकते हैं एंड वेरियस अदर कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं. एंड जो जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा एड्रेस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है. गूगल लोकेशन से भी आप वहाँ का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा मूविंग एवरेज. तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मूविंग एवरेज के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे या आपने सुना होगा. मूविंग एवरेज बेसिकली क्या है, जो भी हमारा प्राइस है उसके पीछे एक लॉजिक है. जो भी प्राइस चल रहा है उसकी एवरेजेस को निकाल लिया जाता है. नॉर्मली दो तरह की एवरेजेस होती हैं, एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होती है एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल को हम नॉर्मली शॉर्ट टर्म्स के लिए यूज़ करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेजेस को हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं. तो जो हम शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए आज मैं एक मूविंग एवरेज यूज़ करने वाला हूँ एंड आपको दिखाते हैं और देखते हैं उसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं. तो जो मूविंग एवरेज हम एक्सपोनेंशियल यूज़ करेंगे, तो ये मैंने investing.com खोला हुआ है. इसके अंदर मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ पहले 5 मिनट का और देखते हैं मार्केट के अंदर जब भी हमारे को बड़ा मूव मिलता है. यानी जैसे कि मार्केट यहाँ पर एक बड़ा मूव दिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ा मूव दिया, उसके बाद यहाँ पर एक मार्केट ने बड़ा मूव दिया. तो अगर मैं इन मूव्स को प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ तो मैं एक इंडिकेटर का यूज़ कर सकता हूँ, एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट इंडिकेटर एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू डिप्लॉय भी है. तो मैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है जो इंडिकेटर्स का है. तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. तो EMA मैंने यहाँ पर डाला और मेरे पास यहाँ पर आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल. अब यहाँ पर हमारे को दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 9 EMA आ रही है. हमारी मूविंग एवरेज ऐसी होनी चाहिए जो बाजार के अंदर ये जो छोटे मोटे बाउंस आते हैं इसके बाउंस आने पे वो मूविंग एवरेज ना कटे. यानी हमें इस मूविंग एवरेज की कुछ सेटिंग के अंदर चेंजेस करने चाहिए. लेट अस सपोज मैं इसको 23 कर देता हूँ. अब 23 करने पर मुझे समझ आया कि ये जो मूविंग एवरेज है जब प्राइस इसके ऊपर चलेगा तो हमारा ट्रेंड क्या है, अपवर्ड रहेगा. जब प्राइस मूविंग एवरेज को काटेगा तो हमारा ट्रेंड क्या होएगा, डाउनवर्ड होएगा. फिर दोबारा प्राइस ने इस मूविंग एवरेज को काटा, मूविंग एवरेज की ही सपोर्ट पे प्राइस चलता जा रहा है. इस कैंडल ने इस मूविंग एवरेज को काटा, उसके बाद हमारे को एक ये बड़ा सा मूव यहाँ पे देखने को मिलता. उसके बाद यहाँ पे फिर इसने मूविंग एवरेज को काटा, फिर हमारे को यहीं पर ही दोबारा एग्जिट मिला एंड उसके बाद ये एक बड़ा मूव हमारे को मार्केट के अंदर देखने को मिला. अब अगर मैं इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ. और जब जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चलेगा तो हमारा बाय का सिग्नल बनेगा. यानी जब प्राइस मूविंग एवरेज को काट के उसके ऊपर आएगा तो बाय का सिग्नल बनेगा, और जब प्राइस मूविंग एवरेज को काट के नीचे आएगा तो हमारा सेल का सिग्नल बनेगा. नॉर्मली बहुत सारे लोग कहते हैं कि मूविंग एवरेज जो है एक अच्छा टूल नहीं है, बट मैं कहता हूँ कोई भी टूल ऐसा नहीं है कि जो ख़राब है. आपकी कन्विक्शन, आपकी उसके ऊपर हर बॉल को खेलने की स्ट्रेंथ, वो आपको मार्केट के अंदर विनिंग एज देती है. वैसे मूविंग एवरेज जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है, यानी प्राइस के पीछे चलता है. तो मार्केट के अंदर वो मार्केट ही क्या जो खड़ी रहे. तो मार्केट नॉर्मली क्या करेगी, जब भी बड़ा मूव देगी इस मूविंग एवरेज से बढ़िया कोई सिग्नल बनेगा ही नहीं बनेगा. ये आपको लंबा बिठा के भी रखेगा जब मार्केट के अंदर डायरेक्शन चलेगी. तो यहाँ पर हमारे को ऐसी एवरेजेस को ढूंढना चाहिए जिसको यूज़ करके हम मार्केट के अंदर कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने ये मूविंग एवरेज इसलिए ली कि मुझे दिख रहा है बार बार जब मार्केट ऊपर चल रही होती है तो मार्केट इस मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट करती है. तो यानी बाय वेरियस मेथड्स हमारे को स्टडी करके फाइंड आउट करना चाहिए कि 15 दिन की अच्छी है या 9 दिन की अच्छी है या 9 मिनट की अच्छी है. तो मैंने जो ये प्लॉट करी है इट इज़ ऑन 5 मिनट चार्ट एंड जो मूविंग एवरेज है इट इज़ 23. इसको आप यूज़ करिएगा एंड उसके बाद देखिएगा
क्या रिजल्ट इसके मिलते हैं इन एन इंटरडेट रेट। तो चलिए पहले देखते हैं, हम इकोनॉमिक कैलेंडर पे आ गए हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इस वीक में होने वाले हैं। तो मंडे वुड बी एन इम्पॉर्टेंट डे, जिसके अंदर 12 बजे के आसपास मंडे को आपको मार्केट के अंदर एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऐसा हो सकता है, वैसे तो US मार्केट डाउन गई है, तो मंडे को अराउंड 12 o'clock हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का डाटा आना है एंड WPI आना है, फूड इन्फ्लेशन आनी है। तो ये डाटा कैसे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट बड़ा रिएक्शन दे सकती है। तो 12 बजे थोड़े से कॉशियस रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पिछली बार ये US के अंदर जब CPI डाटा आया था, उस दिन US के अंदर एक बड़ा फॉल हमारे को देखने को मिला था। तो हमें सिर्फ डाटा देखना नहीं है, डाटा को समझना है और फिर देखना है कि इस डाटा का क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आ रहा है। तो मंडे वुड बी एन इम्पॉर्टेंट डे। इसके अलावा मंडे को इंडिया के अंदर आफ्टर मार्केट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स का डाटा भी आना है एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड का डाटा भी आना है। नेक्स्ट इज US के अंदर रिटेल सेल्स का डाटा आना है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डाटा ऑन मंडे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चाइना का आना है, जिसके वजह से मेटल्स को मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि आना है ट्यूसडे मॉर्निंग 7:30। चाइना के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी आना है एंड चाइना का GDP डाटा भी आना है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डाटा। इसके अलावा वेडनेसडे हमारी मार्केट क्लोज है ऑन बिकॉज ऑफ श्री राम नवमी, मनी सप्लाई इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट डाटा। वेडनेसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डाटा आना है, जो आपको ऑलरेडी पता है कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्री से किन किन स्टॉक्स के ऊपर मेजर इम्पैक्ट आता है। थर्सडे हमारे पास कोई इम्पॉर्टेंट डाटा नहीं है। US के अंदर डाटा आना है विच इज़ जॉबलेस क्लेम्स, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा 3-star बेसिस ये डाटा आना है एंड विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डाटा। तो मार्केट के अंदर ये डाटा कैसा आता है इसको देखेंगे। फ्राइडे RBI MPC मिनट मीटिंग आनी है, फॉरेक्स रिजर्व आने हैं, बैंक लोन ग्रोथ एंड डिपॉजिट ग्रोथ। इतना कोई मेजर डाटा नहीं है जिसके ऊपर मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट हमारे को देखने को मिले। तो यानी इस वीक के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट डे रहेगा हमारा मंडे। हमारी मार्केट की हॉलीडे है विच इज़ ऑन वेडनेसडे, तो बैंक निफ्टी की भी जो इस बार एक्सपायरी है वो ट्यूजडे को ही होनी है। तो मंडे को हमारे को एक बड़ा मूवमेंट मार्केट को देखने को मिल सकता है, स्पेशली दी बैंक निफ्टी। तो चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी मंथली हमारा अप ही था, वीकली भी हमारा वीकली डाउन था एंड डेली भी हमारा डाउन था। 8th को हमारी ग्रीन कैंडल आई, डे पे हम तेज हो गए। 9th को फिर सेलिंग हुई, 10th को वीकली एक्सपायरी थी जो एकदम टॉप पे हुई एंड एक्सपायरी कटने के बाद नेक्स्ट डे अगेन मार्केट जो थी 11th को ऑफ था, 12th को मार्केट के अंदर दोबारा हमारे को एक बड़ी रेड कैंडल मिली। अब देखते हैं इस वीक के अंदर अब हमारी क्या पोजीशन है, क्या निफ्टी के लेवल्स हैं। निफ्टी प्लीज़ नोट डाउन करिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे को लेवल नज़र आ रहा है विच इज़ दी मंथली क्लोजिंग 22,048। मंथली अभी भी हम अप हैं बट निफ्टी के अंदर वीकली अब हम डाउन हो गए हैं। वीकली 22,578 जो है ये हमारी वीकली रेजिस्टेंस आ रही है। डे के अंदर भी अब हम डाउन हैं, जिसके अंदर 22,677 जो है ये हमारे को रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो सेल के अंदर ही रहेंगे, जो मीडियम टर्म के ट्रेडर्स हैं वो भी सेल के सिग्नल्स ही देखेंगे, बट 22,048 ये एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एंड मेजर लेवल मंथली का भी हमारा अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो इस लेवल का ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में मंथली अप हैं, वीकली अप हैं एंड डेली अप थे, सारी चीज़ों पे हम अप ही थे 8th, 9th, 10th एंड 12th। बट यहाँ पर अब हमारे को दिख रहा है कि ऊपर जाने में जो कैंडल्स हैं वो थोड़ी सी छोटी होती जा रही हैं, यानी बाइंग के अंदर उतनी स्पीड नहीं आ रही है। वैसे तो हम ओवरऑल सारी चीज़ों पे तेज हैं बट निफ्टी हमारी जो है वीकली भी मंदी हो गई है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अब इस हफ्ते के हमारे जो लेवल्स रहेंगे उनको नोट डाउन कर लीजिए। तो बैंक निफ्टी अभी भी हमारी जो है मंथली बाय है, वीकली भी बाय है, बट डेली के अंदर हमारी जो एक कैंडल थी
ये डे की जो ग्रीन कैंडल थी इसके अब नीचे क्लोज हो गई है रेड कैंडल। तो अब हम डे पैरामीटर पे क्या हो गए हैं, वीक। तो यानी जो बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं उनको 48671 का स्टॉप लॉस रखना है और ये उनका क्या रहेगा, रेजिस्टेंस लेवल। 48671 के नीचे वीकली सपोर्ट जो है ये हमारी काफ़ी दूर आती है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली कितने पॉइंट्स, 1300 पॉइंट्स। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव हमारे को देखने को मिल सकता है इन दिस वीक। वैसे लॉन्ग टर्म अभी हम तेज हैं, मीडियम टर्म भी तेज हैं, बट शॉर्ट टर्म हम बैंक निफ्टी के अंदर वीक हो गए हैं। तो आई होप आप सबको लेवल्स क्लियर होंगे एंड इनको कैसे यूज़ करना है आप सबको ऑलरेडी कई सारी वीडियोज़ के अंदर समझाया हुआ है। होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटियस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटियस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटियस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटियस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC इज नाउ अ स्कूल ऑफ 10 मिलियन लर्नर्स अवार्डेड ट्वाइस बाय दिल्ली सिटी आइकॉन अवार्ड्स। सो लेट्स बिगिन यूनिटियस ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC।